दोस्तों HP 11 अटैच W प्रिंटर की कार्ट है जो 166 आती है, इसको आज रिपेल करते हैं। तो इस तरह से इसकी कार्टेज को निकाल लेंगे बाहर। इसकी ये ओरिजिनल कार्टेज है, तो आज इसको पहली बार रिपेल करेंगे, फर्स्ट टाइम रिपेल है ये। तो इस साइड पर, जिस साइड पर चिप लगी रहती है उस साइड के, इस तरह से तीन लोग आएंगे, इसमें चिपके हुए आएंगे। तो इस तरह से इन लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो बारीक पेचकस से इस तरह से इन लोगों को तोड़ लेंगे। ये टूट गया, इसी तरह से तीनों लोगों को तोड़ लेंगे यहाँ से। इस तरह तीनों लोग टूटने के बाद एक यहाँ का भी रह रहा है अभी। इस तरह से ढक्कन खुल जाएगा यहाँ का। देखिए दोस्तों, इस तरह से ढक्कन को खोल लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, इसमें अभी तो क्या फर्स्ट रिपील है, तो वेस्टिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका ढक्कन खोल लेंगे यहाँ से, और ढक्कन खोलने के बाद इसको पाउडर, सैमसंग का पाउडर डलता है इसमें। इसको अच्छी तरह हिलाकर और इस पर ऊपर कॉपी लगा के इसमें डालते हैं इसे नॉर्मल। तरह कॉपी लगाएंगे और यहाँ पर इस पाउडर को डाल देंगे। इसको इस तरह से ठकोर कर भर देंगे इसमें। जो पाउडर रहता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से ठकोरने से पाउडर कम हो जाता है, नीचे सेट हो जाता है। ऊपर गया है वैसे, थोड़ा बहुत और पाउडर है वो भी मार जाएगा इसमें। इस तरह बनने के बाद इसमें वापस से ये ढक्कन लगा देंगे। और इसमें जो पाउडर बिक रहा था उसको निकाल लेंगे, और ये वापस से इस चिप वाले कवर को लगा देंगे। इस तरह से सेट कर देंगे दबाकर। अब इसको वापस लगाते हैं इसमें प्रिंटर में। ये 166 एक कार्टेज है इसकी। इस तरह से रिपेल करने के बाद वापस इसमें सेट कर देते हैं। और इस तरह सेट हो जाएगी ये यहाँ पर पेपर ट्रे।
इसको कर देते हैं अब ऑन। दोस्तों ये रिफिल करने के बाद भी वेरी लो टोनर का मैसेज आ रहा है इसमें, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, मैसेज आता रहेगा और प्रिंट निकलती रहेगी। इसकी एक रिपोर्ट प्रिंट निकाल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रिंटर निकलती रहेगी और मैसेज आता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।